उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जनपद के 26 विधानसभा ठाकुर द्वारा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सुनने के लिए काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए। आपको बताते चले कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों ने अपने अपने पार्टियों के प्रत्याशियों को जिताने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिसमें आज 26 विधानसभा ठाकुर द्वारा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय प्रताप के समर्थन में पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र की जनता से वोट की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने सपा और लोक दल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी और गुंडा राज था। उन्होंने आगे बताया कि पहले की सरकारों में अपराध चरम सीमा पर था, पशुओं का रात रात कटान होता था, अब किसान के पशु सुरक्षित हैं और जितने गुंडे माफिया सबको हमारी सरकार ने जेल की हवा खिलाने का काम किया है और कुछ जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर का वह दंगा शायद भूल गए हैं और आज समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं, शायद मानो के उन्हें आजम खान का दर्जा मिल गया हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार दो इंजन की सरकार है, हमने सबका साथ सबका विकास के साथ 5 साल बिना किसी भेदभाव के काम किया है। हमने कोरोना काल के चलते वैक्सीनेशन और 2 बार गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है और बहुत सारी कल्याणकारी योजना हमारी सरकार ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अमन और शांति रही और पिछली सरकारों में आयोजित दंगे, हत्या, लूटपाट आदि का खुलेआम चल रहा था और भूमाफियाओं ने गरीब लोगों की जमीन कब्जा कर उन्हें बेघर कर दिया था। लेकिन ये मुजफ्फरनगर के दंगों को भूल जाते हैं, कोसी कला के दंगों को भूल जाते हैं, मुरादाबाद और बिश्नोर के सांप्रदायिक तनाव को भूल जाते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने केवल लूटा है, गरीबों का छीना है। कोरोना कालखंड में सोचे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वाह भाई, आपने तो सब लोगों ने वैक्सीन ले लिया। गलती कर दी क्या? यानी मैं मान करके चलूं कि 100% लोग वैक्सीन ले लिए हैं, यानी 100% वोट पक्का। क्योंकि जो लोग विरोध करते थे इस वैक्सीन का, करते थे ना, और इनके लिए हम फिल्म सिटी बना रहे हैं। मैंने कहा आपके लिए फिल्म सिटी बनवा रहे हैं, फिल्मों में आप काम करिए थोड़ा। भाइयों बहनों, फिल्म सिटी आपके यहीं पे बना रहे हैं हम लोग, बगल में यमुना अथॉरिटी में, गौतम बुद्ध नगर में। दूसरा कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, जेवर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मुरादाबाद में तो हम एयरपोर्ट बना ही रहे हैं, जेवर में भी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे लेकर के चल रहे हैं यहां से सीधे प्रयागराज के लिए। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। सपा के लोग तमंचे की फैक्ट्री लगाते थे, गरीबों को लूटते थे, व्यापारियों को लूटते थे, हम तो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। यहां तोप बनेगी, वो तोप जब भारत की सीमा पर मुरादाबाद का नौजवान लेकर के जाएगा और गड़गड़ाएगा, पाकिस्तान के छक्के उस तोप के देखने से ही छूट जाएंगे। हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, ये लोग गरीबों और व्यापारियों को लूटने की बात करते हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये जातिवाद की बात करते हैं। हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, ये लोग अपने परिवार के कल्याण की बात करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इन सबसे ऊपर उठते हुए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। इनकी सरकार के समय गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, इनकी सरकार के समय गरीबों को सोचा